ये बहुत पहले की एक बात है। एक घने जंगल में रहता था एक कौआ, एक हिरन, एक चूहा और एक कछुआ। चारों की एक दूसरे में जान बसती थी। सुख में, दुख में, संपदा में, विपदा में रहती थी चारों की अप्रतिम दोस्ती। एक दिन नरम धूप, ठंडी हवा, जैसे चमत्कार। अरे कछुआ भाई निकल गए हैं खाने के तलाश में, बड़ी जल्दी। इससे पहले कि कौआ कछुए को बुलाता, कहीं से एक जाल आकर गिरा कछुए के ऊपर। जाल में फंसा कछुआ जब झटपटा कर जाल से निकलने की कोशिश करने लगा, तो और भी जाल में फंसता चला गया। जाल की डोरी को पकड़े हुए पेड़ के पीछे से निकलकर आया एक शिकारी। उसके बाद, अरे बाप रे, कछुए को कंधे में लेकर शिकारी तो निकल पड़ा। अब क्या करूं? जाता हूं, सबसे पहले चूहे और हिरन को खबर देता हूं। कौवे ने उड़ना शुरू किया और सीधा पहुंचा चूहे के घर के सामने। उसके बाद, अरे अरे चूहे, अरे चूहे भाई, अरे अभी निकल बाहर, भयानक विपदा है। क्या हुआ, क्या हुआ? अभी हिरन भाई के पास जाना होगा, चलो जल्दी। अरे विपदा किस बात की है, वो तो बताओ ना। अरे मत पूछो भाई, कछुए भाई पर बहुत बड़ी विपदा आई है, शिकारी के जाल में फंस गए हैं कछुए भाई। चलो जल्दी हिरन भाई को बताते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। चलो चलो जल्दी। इसके बाद जितना जल्दी हो सके कौआ और चूहा पहुंच गए हिरन के घर पे। हिरन दूर से ही उनको देखकर बोला, आओ आओ बैठकर जरा बातें करते हैं, समय नहीं है, अभी निकलना पड़ेगा, कछुआ भाई विपदा में फंस गए हैं, अभी चलो। क्यों, क्या हुआ है? अरे कछुए भाई को कंधे पर बांधकर एक शिकारी चल पड़ा अपने रास्ते, कछुए भाई को बचाना होगा, जल्दी चलो वरना कोई आस नहीं बचेगी। हाँ, चलो, चलो चलो। किस तरह से कछुआ भाई को बचाओगे, सोचा है कुछ? नहीं, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है। अरे मुझे एक तरकीब सूझी है, सुनो। तीन दिमाग एक जगह लगकर पता नहीं क्या परामर्श किया। उसके बाद हिरन चूहे को पीठ में बिठाकर दौड़ पड़ा। दूसरी तरफ कौवा भी आसमान में अपने पर फैला रहा था। अचानक दिखाई दिया कि शिकारी कछुए को कंधे पर लाद कर महाआनंद से चल रहा है। हे, आज घर जाकर ना कछुए का मीट बनाऊंगा, कछुए का मीट, ओह बहुत दिनों बाद खाऊंगा जमकर। अचानक शिकारी देखता है कि दूर एक हिरन गिरा हुआ है और उसके ऊपर बैठा है एक कौवा जो हिरन को चोंच मार रहा है। हे, हे, क्या वो हिरन का मीट है? कोई गंध तो आ नहीं रही, पर सोचो रात में हिरन का मीट खाऊंगा, चावल, पता नहीं आज किसका मुंह देखा था, मैं आ रहा हूँ हिरन। शिकारी जाल समेत कंधे से कछुए को उतार कर एक पौधे के सामने मिट्टी में रखकर जल्दी जल्दी हिरन को देखने चला गया और उसी का फायदा उठाकर ध्यान के अनुसार चूहा काट देता है कछुए का जाल और दोनों दूर जाकर घास फूस में छुपकर मजा लेते हैं। अरे यार मुझे बेवकूफ बनाया, बेवकूफ बनाया मुझे, मरा हुआ हिरन तो जिंदा हो गया। अरे चलो यार कछुए को ही घर लेके जाता हूँ और खाता हूँ। फिर वो शिकारी रास्ते के किनारे पौधे के पास आकर खड़ा होता है, लेकिन यहाँ पहुंचकर वो पूरी तरह से आश्चर्य में पड़ जाता है। और उसके बाद, हे भगवान ये क्या भूल कर बैठा मैं, हिरन भी गया और कछुआ भी गया, हाय 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 ये मैं क्या भूल कर बैठा भगवान, हिरन भी नहीं मिला और कछुआ भी गया। चुपचाप घर निकल लो अब। क्या हुआ भोंदा, तुम बार बार डेस्क के नीचे क्या देख रहे हो? जी सर, कुछ नहीं सर, वो क्या है ना सर, भोंदा एक केक छुपा के रखा है, शायद उसी को वो बार बार देख रहा है। नहीं सर। कहा है दिखाओ, देखो जरा तुम्हारा डेस्क।
ये देखिए सर। अच्छा ये बात है, नालायक लड़के, पढ़ाई लिखाई में तो मन नहीं है, दिन भर सिर्फ खाना ही खाना। ये लीजिए सर आपका डंडा। हाँ दे मुझे दे। हाँ तेज भूख लगा है सर, तो मेरा केक छीन लिए है, भूख के मरे मेरे पेट में चूहा कूद रहे हैं। स्कूल की तो छुट्टी हो गई, घर पहुंचने में तो बहुत देर है। हाँ, उस खिड़की पे खीर का कटोरी रखा हुआ है, उसके पास जाकर देखता हूँ, शायद कोई ठंडा होने के लिए रखा होगा। बूंदा, आज तू कुछ नहीं खा पाएगा समझे। अब मैं इस खीर को खाकर देखता हूँ। खीर का सुगंध बहुत अच्छा है। ये देखिए दादाजी, ये देखिए वो लड़का आपका खीर का कटोरी चुरा रहा है। हाँ, इतना बड़ा हिम्मत, मेरे घर में चोरी। नहीं नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। नहीं नहीं, कहाँ जा रहा, रुक जा, मैं बोल रहा हूँ। भागो भागो भागो, नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं चोर। अच्छा हुआ कि तुम उस चोर को देख लिए हो, वरना ना जाने क्या क्या होता। इनाम में ये 5 रुपया रख लो। आज मैं उस हंदे के वजह से पकड़ाते पकड़ाते खीर बच गया, नहीं खा पाया। बहुत भूख लगा है मुझे, लग रहा है उस खिड़की के ऊपर चिकन रोल रखा हुआ है। जाकर देखता हूँ सच में तो। हाँ, कुछ भी हो मैं उस रोल को खाऊंगा। चलता हूँ। वो देखिए भैया, चोरी कर रहा है। ये क्या फिर से मुझे हंदा पकड़वा दिया है, मैं अब क्या करूँ। जल्दी यहाँ से भागता हूँ। अरे भागो भागो। हाँ, ये मैं कहाँ पहुँचा। हाँ, ये तो बेकरी है, यहीं से कुछ खाने का बंदोबस्त करता हूँ। अंदर पीछे की रास्ते से अंदर जा रहा है, जाकर मैं इस बेकरी के मालिक को बोलता हूँ। आप यहाँ हैं, अंदर जाके देखिए क्या हो रहा है। क्यों, क्या हुआ? अंदर चोर है। ये क्या, यह भी हंदा बेकरी को साथ में ले आया। मैं यहाँ से जल्दी भागता हूँ। चोर कहीं का, उसे जल्दी वापस लेकर आ। आ जल्दी। मैं चोरी नहीं कर रहा था, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं चोरी नहीं कर रहा था, मैं ऐसे आ गया। दे मुझे वापस दे, दे 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 जल्दी। ये लीजिए, ये लीजिए आपका केक। ये क्या किया, ये क्या किया तूने? हाँ, मेरा पूरा केक बर्बाद कर दिया तू। माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए, वो केक नहीं था, वो गुब्बारा था। इसका मतलब ये लड़का मुझे झूठ बोला। बचे हो मुझे। बहुत बड़ा चोर है, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे मत मारिए, भागो। वो बहुत ही झूठा है सर, वही मुझे गुब्बारा में रंग भर कर दिया था और मुझे बोला था आपके मुंह पे मारने के लिए। मुझसे मजाक कर रहा था तू? आ मेरे पास आ, मैं तुझे बताता हूँ। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं किया हूँ, भागो भागो। मुझसे बच के कहाँ जाएगा तू? रुक रुक, मैं बोल रहा हूँ रुक।
आज विक्रमादित्य, मैं सुना हूँ कि आप बहुत ही विद्वान, बुद्धिमान एवं विलक्षण व्यक्ति हैं, फिर भी आप मूर्ख की भांति मुझे कंधे पर लादे हुए चुपचाप चलते जा रहे हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। रास्ते में कहानी सुनते सुनते आपकी थकावट दूर होगी और रास्ता भी सुगमता से कटेगा। कहानी के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। सही उत्तर जानते हुए भी अगर आप चुप रहे तो उसी क्षण आपके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे, और अगर आप सही उत्तर दे देंगे तो मैं फिर से अपने उसी पेड़ की डाल पर चला जाऊंगा। अब ध्यान से सुनिए, मैं अपनी कहानी शुरू कर रहा हूँ। कलिंग राज्य की राजा सोकसेन थे और वो बहुत ही कुशल थे, लेकिन राज्य की प्रजा बहुत सुख शांति से थे। सच में हमारा राजा जैसा राजा नहीं। हाँ, सच बोल रहे हो। इस राज्य में हम लोग बहुत खुश हैं। चोर डाकुओं का भी कोई डर नहीं है। ये तो ठीक है, लेकिन हमारा राजा बहुत शरारती है। शरारत करते समय छोटा बड़ा किसी का भी भेदभाव नहीं करते। ये तो सच बात है। महामंत्री, बहुत दिन हो गया है, शिखर पे नहीं गए हैं, जाने का तैयारी कीजिए। जैसे आज्ञा महाराज। जंगल में पूरा दिन घूम लिया है, लेकिन एक भी शिखर नहीं मिला। सच में महाराज, सोचने की बात है। आप बताइए महाराज, क्या किया जाए। चलिए जंगल की ओर अंदर। महाराज चलिए चलिए। महाराज, यहाँ पे भी कोई शिकार नहीं दिख रहा है। शाम होने को है। चलिए महाराज, राजमहल वापस चलते हैं। चलिए महाराज। हाँ ठीक है, चलिए। रुकिए रुकिए महामंत्री, उस पेड़ पर देखिए। सच में महाराज, एक सन्यासी डाल पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। मैं कुछ सोचा हूँ। क्या महाराज? सन्यासी का ध्यान भंग करना होगा। नहीं महाराज, ये सब मत कीजिएगा। सन्यासी जब क्रोधित हो जाते हैं, शराब देके भस्म कर देते हैं। ये सब मत कीजिए। तुम बहुत डरपक हो। महामंत्री, उस सन्यासी की बात याद है? जी हाँ महाराज। पूरा राज्य में ऐलान कर दीजिए, जो सन्यासी का ध्यान भंग कर पाएगा उसे हम इनाम देंगे। महामंत्री। जैसे आज्ञा महाराज। सुनो सुनो सुनो, हमारे महाराज सोकसेन ये बात ऐलान किए हैं, जंगल में एक सन्यासी का ध्यान भंग करने का। राजा की बात सारे राज्य में फैल गई, लेकिन सन्यासी का ध्यान भंग करने के लिए कोई नहीं आया। आई एक कन्या। महाराज, मैं सन्यासी का ध्यान भंग करूंगी, लेकिन मुझे कुछ सामग्री का आवश्यकता है। बोलो क्या चाहिए। हाँ ऐसा ही होगा, तुम्हें मिलेगा। तो फिर मैं चलती हूँ महाराज, प्रणाम। लगता है सन्यासी भूखे हैं, अभी उनको आवश्यकता है कुछ भोजन का। जाती हूँ, कुछ मोहन भोग बना के लाती हूँ। मोहन भोग तैयार है, जाके अब अपना काम शुरू करती हूँ। वो कन्या सन्यासी को खिलाई मोहन भोग। आ
आंखें खोलकर देखे वो, उसके बाद वो बैठे पेड़ के नीचे। मैं गंधर्व कन्या हूँ, यहाँ तपस्या के लिए आई हूँ। आप मुझे तपस्या सिखाएंगे? जरूर सिखाऊंगा तुम्हें। सन्यासी तपस्या सिखाने लगे उस कन्या को, लेकिन उससे प्रेम कर बैठे। सुंदरी, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, तुम्हें कोई इतराज है? मैं आपको स्वामी पहले दिन से ही मान ली थी, लेकिन डरती थी आपसे बताने में। कन्या उस सन्यासी से विवाह कर ली, उसका एक पुत्र जन्म लिया। कुछ दिनों बाद कन्या बोली, स्वामी हमारा पुत्र बड़ा हो रहा है, अब उसे विद्या ज्ञान देना चाहिए, चलिए हम नगर चलते हैं। ठीक है, चलो। तो फिर कन्या सन्यासी को लेकर चली आई कलिंग राज्य में। वहाँ पहुँची राजपाट में। ये कलिंग राज्य है, सुनी हूँ कि यहाँ के राजा बहुत दयालु है, चलिए हम उनके पास चलते हैं। हाँ चलो। तुम वही कन्या हो ना? तुम्हारे साथ ये कौन है? ये मेरे स्वामी है, वही सन्यासी, ये हमारा पुत्र। हाँ, सन्यासी की पत्नी। सन्यासी का धन भंग हो गया। महाराज, अब मुझे आप लाखों स्वर्ण मुद्राएं दीजिए, क्योंकि आपके शर्त के अनुसार मैं सन्यासी का ध्यान भंग की हूँ। दोस्त कन्या, मेरे साथ चल करके मेरा ध्यान भंग किया हो, आज मेरे सरबों से तुम लोगों में से कोई नहीं बचेगा। सन्यासी के अभिशाप से ध्वंस हो गया पूरा नगर। महाराज, सबसे ज्यादा दोषी कौन था, राजा या मंत्री या फिर कन्या? बेतल तीनों बराबर की दोषी है। राजा सन्यासी का ध्यान भंग करना चाहता था और उन दोनों उनका साथ दिए थे, इसीलिए। गोपाल फाड़। हर 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 हर, सच में बहुत खूबसूरत रात है, चारों तरफ चांदनी ही चांदनी फैली है। रुको 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 वत्स, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाओगे? मैं सन्यासी हूँ वत्स, मैं करीमपुर जाऊंगा। तुम्हारे बैलगाड़ी में जगह है क्या मालिक? बिठा लूँ? हाँ बिठा लो बिठा लो। चले आइए सन्यासी जी। बच्चों, तुम लोगों का नाम क्या है बताओ? मैं गोपाल और ये मेरा दोस्त हरिचरण। हम लोग जात के नाई हैं। अच्छी बात है बच्चों, अच्छी बात है। सन्यासी जी, आप अपना परिचय दें। अरे मूर्खो, संसार के सारे मोह माया को त्याग करके सन्यासी बन गया हूँ, अब मेरा परिचय लेकर क्या करोगे तुम लोग? हाँ बताओ। लग रहा है वर्धमान का सीता भोग का खुशबू आ रहा है। बच्चों, भूल से भी इस मटके को हाथ मत लगाना। क्यों सन्यासी? इस मटकी में नाग है, मैं मंत्र की शक्ति से उसे सुला कर रखा हूँ। जो मंत्र की शक्ति नहीं जानता है, अगर वो इस मटकी को छूते हैं, तो संग संग नाग उसे डस लेंगे और उसकी मृत्यु संग संग हो जाएगी। अब तुम दोनों सावधान रहना। आप निश्चिंत रहे सन्यासी, आपके इस मटकी को हम दोनों कभी नहीं छुएंगे। आ, आ, बहुत नींद आ रही है। बच्चों, कहाँ उतरोगे तुम लोग?
हम लोग चांदपुर। मैं करीमपुर से पहले वाले गांव में। मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ, करीमपुर आते ही मुझे जरा उठा देना। हाँ हाँ जरूर जरूर। नारायण नारायण। सन्यासी गहरी नींद में सो रहे हैं। चलो अब जरा मटकी को खोल कर देखते हैं क्या है। नहीं गोपाल, उस मटकी को भूल से मत छूना। क्यों? सुना नहीं, उसमें नाग है। जाने दो, बेकार की बात है। ये देख क्या है इसमें। अरे इसमें तो सीताभोग है। आहा क्या खुशबू है। ओहो बहुत अच्छा। अरे भैया मुझे भी थोड़ा सा दे दो, मुझे भी भूख लगी है। आम आम। वाह बहुत बढ़िया, स्वादिष्ट है। वाह पेट भर गया खाके। इधर जो करीमपुर आ गया है, ये भी देखो सन्यासी को उठाना होगा। लेकिन मटकी खाली है। सुनो तब। ओ सन्यासी जी, ओ सन्यासी जी। उठिए सन्यासी जी, करीमपुर तो पार हो गया। ओ बैलगाड़ी रोको, बैलगाड़ी रोको रोको रोको। अरे हुर हुर, अरे हुर हुर, अरे हुर। सन्यासी जी ये लीजिए आप अपना नाग वाला मटकी। अरे 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 अरे, ये कहाँ हुआ, कहाँ गया मेरा एक एक मटकी सीता भोग। आपके नाग के पेट में।